हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट खुशबू जांगिड़ और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वकील घरों में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेल क्या होती है, बेल कितने प्रकार की होती है और पेरोल क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्लो क्या होता है और इन तीनों में अंतर भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेल क्या होती है। बेल की सीआरपीसी में ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। बेल वर्ड जो है वो फ्रांसीसी वर्ड बेलर से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, हिंदी में कहें कि कुछ देना। सीआरपीसी में जो है बेल से रिलेटेड कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, सेक्शन 436 से लेकर के 450 तक के। बेल का कॉन्सेप्ट तब अराइज होता है जब आपका मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग होता है, मतलब कि जब आपके मामले का जो है विचारण चल रहा होता है कोर्ट में, तब ये आता है। बेल जो है अमूमन तीन प्रकार की होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बेल का टाइप है रेगुलर बेल, सेकेंड जो है इंटरिम बेल, थर्ड एंटीसिपेटरी बेल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेगुलर बेल क्या होती है। जब आपने कोई ऑफेंस कर दिया है और आपको जो है पकड़ करके कोर्ट में लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तब आप जो है एप्लीकेशन जो लगाते हैं बेल की, उसे जो है रेगुलर बेल कहा जाता है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन बेल की लगाई जाती है वो लोअर कोर्ट से स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर बेल में आप जो है एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में सेक्शन 437 के तहत लगा सकते हैं। अब यदि मान लो आपकी एप्लीकेशन वहां से खारिज हो जाती है, तब आप अपनी एप्लीकेशन 439 ऑफ सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकते हैं। सेकेंड जो बेल है वो है इंटरिम बेल। जब आपकी रेगुलर बेल की जो सुनवाई होती है वो चल रही होती है आपके ट्रायल कोर्ट में, तब आपको जो है इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगानी होती है। थर्ड जो टाइप है वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है और आपको ये डर सता रहा होता है कि हम जो है कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो उस केस में जो है गिरफ्तारी से पहले आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल की सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के तहत। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि पेरोल क्या होती है। तो पेरोल जो है वो किसी भी असामान्य स्थिति में या कहें कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशंस में दी जाती है। अब ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है वो ऐसी हो सकती है कि सपोज आप अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उनकी जो है ऐसी कोई बीमारी है जिसमें जो है आप कि वहां पर उपस्थिति बहुत जरूरी होती है, तब आपको जो है कोर्ट पेरोल दे सकता है। या फिर आपके माता पिता में से किसी का देहांत हो जाता है, तब जो है कोर्ट आपको पेरोल दे सकता है। या फिर कहें कि आपकी जो है वाइफ प्रेग्नेंट है और वाइफ की जो देखभाल के लिए वहां पर कोई भी नहीं है, तब उस केस में भी जो है कोर्ट आपको पेरोल दे सकता है। ये तो हुआ कि पेरोल जो है किन किन स्थितियों में दी जा सकती है। अब समझते हैं कि पेरोल कितने तरीके की होती है। तो जनरली पेरोल जो है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है रेगुलर पेरोल और सेकेंड होती है कस्टडी पेरोल। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि रेगुलर पेरोल क्या होती है। अब मान लीजिए कि आपको जो है कोर्ट ने 4 साल की पनिशमेंट दे दी है, आपने जो है जेल में 1 साल का कारावास काट लिया है और 1 साल के कारावास के दौरान जो है आपका आचरण वहां पर अच्छा रहा है और आपने जेल के अंदर रहते हुए कोई भी अपराध नहीं किया है, तो उस केस में जो है आप पेरोल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पेरोल के लिए जो एप्लीकेशन है वो जेल सुपरिटेंडेंट के पास में लगाई जाती है। जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो एप्लीकेशन राज्य के गृह मंत्रालय के पास में फॉरवर्ड करता है। वहां से डिसीजन होने के बाद में जो है आपको पेरोल दी जाती है। मैक्सिमम जो है वो 1 महीने की पेरोल आपको दी जा सकती है। पेरोल के दौरान यदि आप बाहर रहते हैं और आपने बाहर रहते हुए कोई भी अपराध कर लिया है, तो आपको जो है नेक्स्ट टाइम कोर्ट जो है वो पेरोल नहीं देता है। अब सपोज करो कि आपकी जो है एप्लीकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से खारिज कर दी जाती है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं। उस केस में जो है आप उसकी अपील जो है हाई कोर्ट में लगा सकते हैं कि मेरी जो है पेरोल की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है लेकिन मुझे जो है इसकी जरूरत है। तब उस केस में क्या होता है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि उस अपराधी को पेरोल दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। अब सपोज करो कि आपको जो है एक बार पेरोल दे दी है कोर्ट ने, उसके 1-2 महीने बाद में यदि फिर से ऐसी कुछ असामान्य स्थितियां पैदा होती हैं, तो उस केस में भी जो है कोर्ट आपको फिर से पेरोल दे सकता है। अब यदि मान लो आपने अपने कारावास के दौरान जितनी भी टाइम के लिए पेरोल जो ली है
वो जो है वो आपकी सजा में काउंट नहीं होती है। जब आपकी सजा एक बार खत्म हो जाती है तो उसके बाद में जो है आपको उतने ही समय की जो है अतिरिक्त कारावास दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि यदि मान लो आपको कोर्ट ने 4 साल की पनिशमेंट दी है और 4 साल की पनिशमेंट के दौरान यदि आपने 1 महीने की जो है पेरोल ली है तो 1 महीने की जो है एक्स्ट्रा कारावास आपको काटना पड़ेगा आपकी सजा के अतिरिक्त। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि कस्टडी पेरोल क्या होता है। तो कस्टडी पेरोल जो है जनरली आपको तब दी जाती है जब आपके घर में जो है कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन कस्टडी पेरोल का जो है वो कॉन्सेप्ट वो तब अराइज होता है जब कोई ऐसा ऑफेंडर है या ऐसा कोई घोर अपराधी है जिसने जो है बहुत सारे अपराध करे हो, या फिर ऐसा कहें कि वो जो है आदतन अपराधी होता है, तो उस केस में जो है उसे रेगुलर पेरोल की जगह पर कस्टडी पेरोल दी जाती है। कस्टडी पेरोल की जो अवधि होती है वो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की होती है। इसमें आपको जो है जेल सुपरिटेंडेंट एक पुलिस ऑफिसर के साथ में आपको कस्टडी पेरोल देता है। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि फर्लो क्या होती है। तो फर्लो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि बेल में, पेरोल में और फर्लो में क्या अंतर है। तो बेल की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो ट्रायल के दौरान लगाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आपका मामला जो है कोर्ट में विचारणीय होता है तब जो है बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं। लेकिन पेरोल और जो फर्लो होती है वो दोनों की दोनों कोर्ट जो है आपकी पनिशमेंट डिसाइड कर देता है, तब आप जो है इन दोनों की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पेरोल में और फर्लो में एक बेसिक अंतर ये है कि जो पेरोल दी जाती है वो जो छोटी अवधि की कारावास वाले अपराधियों को दी जाती है, और जो फर्लो होती है वो अधिक अवधि की कारावास वाले व्यक्ति को दी जाती है। जिनका सपोज करें कि मान लो किसी को 20 साल की पनिशमेंट दी गई है या फिर यूं कहें कि 15 साल की पनिशमेंट दी गई है, वो जो अपराधी है वो फर्लो की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फर्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया ताकि जो अपराधी है उनका जो है समाज से कटाव ना हो, उनका जो है समाज से जुड़ाव बना रहे, ताकि उनको जो है कोई भूल ना जाए, इसलिए फर्लो का जो कॉन्सेप्ट लाया गया। फर्लो की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो सेम जैसे पेरोल में लगाई जाती है जेल सुपरिटेंडेंट के पास, वैसे ही जो है इसमें लगाई जाती है। फर्लो में अपन को एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि यदि मान लो आपको 10 साल की पनिशमेंट दे दी है कोर्ट ने और 10 साल के कारावास में से आपने जो है 5 साल का जो कारावास काट लेते हैं उसके बाद में ही जो है फर्लो की एप्लीकेशन लगाई जाती है। मतलब कि हाफ ऑफ द पनिशमेंट यदि आपने कंप्लीट कर ली है अपने जेल के अंदर तब आप अपनी जो है फर्लो की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। सपोज करो कि आपकी जो है एप्लीकेशन राज्य गृह मंत्रालय ने यदि कैंसिल कर दी है तो उस केस में जो है आप उसकी अपील हाईकोर्ट में कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि पेरोल में करते हैं। फर्लो की जो है वो ड्यूरेशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, ये जो है कोर्ट द्वारा डिसाइड करी जाती है कि फर्लो कितने दिन की दी जाए। अब यहाँ पर अपन को एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है कि पेरोल और फर्लो में क्या अंतर होता है। तो जब पेरोल में मैंने आपको बताया कि जो पेरोल दी जाती है उसकी जो अवधि होती है वो आपकी जो पनिशमेंट में काउंट नहीं होती है, उसके अतिरिक्त जो है आपको कारावास दिया जाता है उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि का आपने पेरोल लिया है। लेकिन जो फर्लो है उसमें जस्ट ऑपोजिट होता है कि आपको जो है जितने भी अवधि के लिए जितने भी दिन के लिए जो फर्लो दी जाती है वो आपके जो है कारावास में काउंट होती है और जो है आपको उतने दिन के अतिरिक्त जो है कारावास नहीं काटना होता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बेल क्या होती है, बेल कितने प्रकार की होती है, पेरोल क्या होती है और पेरोल के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि फर्लो क्या होती है और इन तीनों में अंतर भी बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी बेल से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है या फिर आप जो है किसी भी लॉयर की नीड चाहते हैं तो आप हमें जो है इन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।